कुछ भी नहीं दिया गया, बिल्कुल आम किसान है और बहुत ही अच्छा इन्होंने तैयार कर रखा है। शांत स्वभाव का ये बुला है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अपना नाम गांव बताएं। मेरा नाम सुमित है, मैं काबरेल है भाई। गांव गांव काबरेल है, डिस्ट्रिक्ट हिसार से है। हाँ भाई साहब। स्टेट हरियाणा का ये भाई साहब ने करेला तैयार किया। भाई साहब इसका तो उम्र बताएं कितनी होगी इसकी? 9 महीने हो गए भाई साहब। बहुत ही अच्छा तैयार किया इन्होंने। पेट पुट्ठे की चौड़ाई लंबाई आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल गोल मटोल जी आप देखते हो। पूछेंगे इनसे किस रेट पर इन्होंने तैयार किया है। सबसे पहले बताएँ इसका जो फादर लाइन से कौन सी साइड से है, कौन से नंबर है? नंबर तो भाई साहब याद नहीं है, बाद में दिखा देंगे। अच्छा, डीबी का या प्राइवेट बुल का? प्राइवेट। नाम इनको ध्यान नहीं है भाई साहब को, लेकिन प्राइवेट बुल है, अच्छे सिलेक्टेड बुल होते हैं भाई, इसी में बनवाते हैं। बाकी इसका माँ का रिकॉर्ड भाई साहब 16 लीटर दूध दही है बैठी भाई साहब। ये सभी इनकी हैं, ये इसकी जो बल पुरानी भैंस है इनकी घर की, इसे ब्रीडिंग का काम कर रही है, नस्ल सुधार का। ये 3 से 4 पशु है इसी भैंस की है। तो भाई साहब इसका डाइट प्लान और बताएं खरीदा आप किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, उसको क्या क्या खर्चा है? खर्चा जी भाई साहब बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब बताएं इसको किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? भाई साहब एक दिन में हम 100 ग्राम तेल देते हैं सरसों का भाई साहब। ठीक है जी। इसका दूध वगैरह कितना पिलाया है शुरू में? अभी 9 महीने का हो गया भाई साहब, अभी भी इनको दूध पिला रहे हैं दोनों टाइम, सुबह और शाम को भाई साहब। कितना ही मिलता होगा दूध इसको? अभी तो किलो या 1.5 किलो मिलता है भाई साहब एक टाइम का। हाँ भाई साहब, जब ये दूध शरीर को टूटने दे रहा भाई साहब, छोटा था उसने तब अपने कितना दूध पिलाया होगा? जब भाई साहब दपाके पे आया था अपने आप फट गया था, धाप धाप के आगे वाले दो थन या पूरा अगले भाई साहब पूरे दोनों आगे वाले दो थन है, बिल्कुल 4-5 किलो दूध तो होता ही है। हाँ भाई, दोनों थनों में अच्छी भैंस है इनकी, 16-17 किलो दूध की भैंस है। और ये आप देख लेना आपके हिसाब से किस हिसाब से जो तैयार किया है, खर्चा कम है ज़्यादा है, उसके दूध का हिसाब से आप देख सकते हैं जी खर्चा तो लगे ही है। इसको आपको सेल भी करना है भाई साहब? हाँ भाई साहब सेल भी करना है। किस रेट में आप दोगे इसको? भाई साहब 30,000 रुपये है भाई साहब पूरा। हाँ भाई साहब 1 रुपये कम नहीं है। देख जी बिल्कुल ठीक ठाक रेट मांगे इन्होंने। अगर किसी व्यापारी ब्रीडर के पास होता तो इसी कचड़े का आपको 1,70,000 रुपये देखने को मिलते हैं, बिल्कुल जेड ब्लैक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। सेंगे भी छोटे राउंड हो जाएंगे पूरे बिल्कुल गोल। इसका तो इतना खर्चा ही आ गया भाई साहब ने बोले, इसको शुरू में 3 महीने दूध पिलाया पूरा दबा के। हाँ भाई साहब 5-6 किलो दूध पीता है। हाँ भाई साहब, तो आप 60 रुपये हिसाब से लगा लेना आप कितना हो जाता है। इतना अभी पी रहे भाई साहब? अभी पी रहे ही है 2 किलो लगभग, तो इतना खर्चा ही हो रहा है इनका। आपको देखना है कैसे आपको तैयार करना है वो भी मैंने आपको बताया। दूध से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी दवाई वगैरह वगैरह न दें, दूध पिलाएं बस जितना उसके थोड़ा पिला दें, दूध से अच्छा बच्चा तैयार होता है। और साथ में अपने माँ के साथ दाना खा रहे हैं जो भी इसको मिल रहा है, खड़ा है बिनोड़ा है चने की चूरी है और भी जो भी आइटम है, इसको 100 ग्राम तेल दिया जाता है। धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए, आपको कैसी लगी? और ये कटड़ा भी सेल के लिए है, किसी भाई को बुल के लिए तैयार करना हो तो आप कर सकते हैं जी, नीचे से आपको दिखा देंगे। आज की वीडियो यही थी। और सुमित भाई आप अपना नंबर दें। 8950880235 ये इनका नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं लेने के लिए। कैसा लगा वीडियो में आपको बताना कमेंट में, कचड़ा इन्होंने जो तैयार किया है।